एक्टिविटी है मानसून के इस समय थोड़ी सबड्यूड हो गई है। 26 से लेकर अभी 28 तक देखें 3 दिन करीब ऐसे रहे कि जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में करीब करीब बारिश बहुत कम रही है, बारिश जो है, और जबकि कुमाऊं क्षेत्र में तो बारिश मिल रही है लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में कम है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है कल से, मैं समझता हूँ 29 जून से इसमें जो है जो मानसून की एक्टिविटी है वो नॉर्मल की तरफ को मिलनी शुरू हो जाएगी कल से। तो 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो करीब करीब आपको जो है उत्तराखंड के अनेक जगहों से लेकर ज़्यादातर जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक हैवी रेन्स की उसकी बहुत संभावना नहीं है, लेकिन एकाधुक्का जगहों में आप कह सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र में 29-30 में कि जैसे आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है या फिर आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें या बागेश्वर है, तो इनमें एकाधुक्का जगहों में हो सकता है थोड़ी हैवी रेन्स भी हमको देखने को मिले। 30 तारीख को बात करेंगे तो देहरादून में भी संभावना है, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो उसमें भी कहीं एकाध जगह में हैवी रेन्स जो है वो मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी तक सबड्यूड एक्टिविटी है वो कल 29 तारीख से जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी रेनफॉल एक्टिविटी में, और जो मानसून की नॉर्मल एक्टिविटी है तो मैं समझता हूँ 29 से आगे जो है 4-5 दिन के लिए वो मिलने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं 3-4 तारीख तक जुलाई में भी जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी कल से शुरू हो रही है वो चलने वाली है 3-4 जुलाई तक जो है। तो हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों से लेके ज़्यादातर जगहों में इस दौरान वो मिलेगी। 4-5 में बात करेंगे तो जो एक्टिविटी थोड़ी और बढ़नी चाहिए या इंटेंसिटी वाइज खासकर अगर बात करें तो ठीक है, हालांकि थोड़ा अभी दूर है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि जो है कहूँगा कि 4-5 तारीख से जुलाई से जो एक्टिविटी और थोड़ी बढ़ेगी। तो रेनफॉल एक्टिविटी जो है कल से मैं समझता हूँ प्रदेश में अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी।